हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में पिछले दिनों लगातार न्यूज़ें निकल के अच्छी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी संदर्भ में इस एक स्मार्ट मीटर से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। और चूंकि आप जानते हैं कि स्मार्ट मीटर से संबंधित इस कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर भी होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये हम तो पहले ही बात कर चुके हैं कि ये किसके साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दी है और इसमें इसकी क्या हिस्सेदारी होने वाली है। लेकिन ये जो न्यूज निकल के सामने आई है वो स्मार्ट मीटर से संबंधित है, और ये जो कंपनी है वो जो कैपिटल है वो इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कितना इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रही है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी जो इन्फ्यूजन की है पैसे का, वो कहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक न्यूज और निकल के सामने आई है, और वो ये निकल के सामने आई है कि इसके मैनेजमेंट में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके मैनेजमेंट में क्या बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे जाते जाते कि Q4 के रिजल्ट देने से पहले इस कंपनी का जो टारगेट बताया जा रहा है मई महीने का, वो कितना बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके अलावा ये भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे जो विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी है उसके संदर्भ में भी कुछ न्यूज निकल के सामने आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में तूफान देखा गया और निफ्टी लगभग 172 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी, और निगेटिव सेंटिमेंट हावी होने के कारण मार्केट पे इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ ये जो 172 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट देखी गई उसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला, जबकि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई थी, उसके बावजूद भी इसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है ₹5.40 पे फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दी है 3 मई को। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 1% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9% की ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 75% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप यहां पे देख सकते हैं जो कंपनी लिस्ट हुई थी NSE पे 2021 में ₹2.66 पे, तब से लेकर ये पैसे को डबल करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं या अनाउंसमेंट जो निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 मई को एक अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लेंट ऑफिसर, अर्थात कंप्लेंट जो ऑफिसर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये अपॉइंटमेंट जो हुए हैं वो कौन हुए हैं और उनका क्या कुछ क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। इसके अलावा 29 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पूरा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 4 मई को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 मई का डेट पड़ा हुआ है, और इसमें क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में यहाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और बता रहे हैं कि ये रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, और ये कंप्लायंस ऑफिसर कौन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिस्टर संजय कुमार जायसवाल हैं उन्हें ये फिलहाल अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मिस्टर संजय जायसवाल हैं उनका जो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ये कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI में मेंबरशिप लेके भी ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये बैचलर ऑफ कॉमर्स भी करके बैठे हुए हैं, और LLB भी इनके पास डिग्री बनी हुई है। इसके अलावा ये मास्टर ऑफ बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी इनके पास बना हुआ है, अर्थात ये MBA करके भी बैठे हैं। साथ ही साथ ये 7 साल का ये एक्सपीरियंस भी लेके बैठे हुए हैं कंपनी सेक्रेटरियल लीगल
स्टैचुरी कंप्लायंस के रूप में, इसके अलावा ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर संजय कुमार जायसवाल हैं, ये अच्छा खासा इनके पास अनुभव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा ये जो है डिग्री भी लेके बैठे हुए हैं। और इस कंपनी का पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इनका, तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इनके पास जो अनुभव है वो भी अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, ये 29 अप्रैल को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो है मीडिया रिलीज के माध्यम से निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड है, उन्होंने ये इंड्यूस किया है कैपिटल कितना 8.5 मिलियन, अर्थात लगभग 8.5 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये किसमें इन्फ्यूजन किए हैं इसके बारे में आगे बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया था जो IGL जेनेसिस टेक्नोलॉजी के नाम से, और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ था वो फिलहाल दो कंपनियों के बीच में होता हुआ दिखाई दिया था। एक विकास लाइफ केयर लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि गैस मीटर बनाते हुए नज़र आती है, जिसका नाम जेनेसिस गैस सॉल्यूशन PVT लिमिटेड है, और दूसरा एक और कंपनी है जिसका नाम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है। इस दोनों के बीच ये ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दिया था और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ था उसमें ये 51% की हिस्सेदारी बनी हुई थी, जिसमें जो जेनेसिस है यानी जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड है उसकी हिस्सेदारी फिलहाल 49% होते हुए दिखाई दी थी और जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है उसकी हिस्सेदारी इसमें 51% होते हुए दिखाई दी थी। और इसी संदर्भ में ये जो कंपनी है विकास लाइफ केयर, वो 8.5 करोड़ का ये कैपिटल इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रही है, अर्थात ये जो नोएडा में अपना गैस मीटर का जो मैन्युफैक्चर प्लांट बैठा रहे हैं उनके लिए ये फिलहाल 8.5 करोड़ का इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एस्टेब्लिश द प्लांट एट द नोएडा उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट गैस मीटर इन इंडिया, और यही जो नोएडा में प्लांट बैठ रहा है उसी में ये 8.5 करोड़ का इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो ज्वाइंट पार्टनर्स हैं विकास लाइफ केयर और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये दोनों मिलकर फिलहाल 544 मिलियन का अभी तक ये इन्फ्यूजन कर चुके हैं पैसे का, कैपेक्स का। हालांकि इसमें जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है वो 1100 मिलियन का होना है, अर्थात लगभग 110 करोड़ का इसमें ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से 544 मिलियन का अर्थात लगभग 54.5 करोड़ का ये इन्फ्यूजन पहले ही कर चुके हैं और अभी फिलहाल 8.5 करोड़ का और इन्फ्यूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनियाँ हैं दोनों वो मिलकर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए नजर आ रही हैं और बहुत तेजी से काम करते हुए नजर आ रही हैं। और इंडिया की ये पहली ऐसी स्मार्ट गैस मीटर प्लांट है जहां पे ये गैस मीटर का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो स्मार्ट गैस मीटर प्लांट बैठा रहे हैं उससे ये प्रति ईयर यानी प्रत्येक साल में 1 मिलियन स्मार्ट गैस मीटर बनाते हुए भी नज़र आएंगे। इसके अलावा ये नीचे ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू IGTL कंपनी बनी थी, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हुए दिखाई दी है और वो जो नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है वो फिलहाल ह्वांगजू बीटा मीटर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, जो कि होली ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। और ये स्मार्ट गैस मीटर में मार्केट लीडर है पूरे विश्व में, उससे ये फिलहाल टेक्नोलॉजी खरीदती हुई दिखाई दी थी और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये गैस मीटर बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में ये जो गैस मीटर है उनका डिमांड आने वाले 4 से 5 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके जी हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, पाइप रिलेटेड जो गैस हैं वो घरों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद स्मार्ट गैस मीटर का जो ये डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है।
अब हम अगर बात कर लें थोड़ा जो IGEL जो एजेंसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जो कि बनते हुए दिखाई दी थी जून 2023 में उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्मार्ट गैस मीटर के क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो क्वार्टर चल रहा है, सेकेंड क्वार्टर आने वाला है 2024-25 का, उसमें ये फिलहाल शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर थोड़ा सा बात कर लें जो गैस मीटर बिजनेस है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल एक टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि जो ये कनेक्ट करने वाले हैं 10 मिलियन क्यूमुलेटिव PNG हाउस होल्ड को, उनके पास ये 70% ये हिस्सेदारी होते हुए दिखाई देगी और ये 70% पॉपुलेशन को कवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर आगे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से CNG की डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से जो PNG यानी पाइप नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसके बाद इस स्मार्ट गैस मीटर का डिमांड भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं नेक्स्ट 5 से 10 सालों में लगभग 70 मिलियन गैस मीटर की जरूरत होने वाली है। और ये जो 70 मिलियन गैस मीटर अर्थात लगभग 7 करोड़ जो गैस मीटर होंगे, उसमें ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है और ये इन दोनों जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है, इनकी अच्छी खासी भागीदारी होते हुए दिखाई देने वाली है। क्योंकि फिलहाल मात्र एक यही कंपनी है जो अभी स्मार्ट गैस मीटर में ये अपना अच्छा खासा कारोबार बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जो कंपनी है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, इस पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस कंपनी की भी अच्छी खासी जो है डिमांड होते हुए दिखाई दे सकती है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है अभी अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के देते हुए नज़र आने वाली है, उससे पहले ही इसका मई का टारगेट भी निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें इसके पहले टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 8.5 रुपये का मई में टारगेट दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इसमें ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाते जा रही है, लगातार अच्छी न्यूज निकल के सामने आते आ रही है। अगर इसका Q4 का रिजल्ट निकल के अच्छा आ गया, तो आप देखेंगे कि ये जो टारगेट दिया जा रहा है 8.24 रुपये का, वो अच्छा खासा हिट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और ये जो कंपनी जैसे ही 8.24 रुपये का टारगेट हिट करेगी मई महीने में, वो सीधा 8.75 रुपये पर पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा जैसे ही 8.75 रुपये का ये टारगेट हिट करेगी, ये 9.27 रुपये और 10 रुपये के आसपास भी पहुँचते हुए दिखाई दे सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मई महीने का टारगेट है वो 8.25 रुपये से लेके और 10 रुपये तक देखने को मिल रहा है। इसलिए इस कंपनी थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इस मई महीने में हो सकता है अच्छा खासा जो है मूव भी दिखा दे। हालांकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको एक जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें, सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। बात करें थोड़ा विकास सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी की, तो ये जो जब मार्केट बंद हुआ था 3 मई को, तो इस कंपनी में BSE पे लगभग 0.26% की बढ़ोतरी देखी गई थी, जबकि निफ्टी में 172 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। और ये जो कंपनी है 3.92 रुपये बंद होते हुए दिखाई दी थी। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि क्या इसमें कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें इसके थोड़ा डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिर जब 3 मई को मार्केट बंद हुआ था, तो उसमें जो टोटल क्वान्टिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी थी वो 25,41,319 शेयरों की टोटल क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी BSE पे, जिसमें से 52 से 53% के आसपास अर्थात लगभग 13,35,392 जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दिए थे। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो निगेटिव सेंटिमेंट वाला मार्केट चल रहा है, उसमें विकास लाइफ केयर जो विकास इकोटेक जो कंपनी है, उसमें जो न केवल इन्वेस्टरों का भरोसा फिलहाल बना हुआ है, बल्कि जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा ये मार्केट का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि
जो दोनों कंपनियां हैं विकास लाइफ केयर और विकास इकोटेक लिमिटेड, इन दोनों पे नज़र बना के रखिए और इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और इस कंपनी में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।